गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज अभी सुबह के यहाँ बजे हुए हैं लगभग 7:30 और हमें फ़्लाइट कैच करनी है। 9:15 बजे होटल से निकलना है। सामने आप देख सकते हो वहाँ पर जहाँ मेरी उंगली है वहाँ एयरपोर्ट है। हम लोग इस समय हैम्पटन बाय हिल्टन में हैं। तो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा दुबई का टर्मिनल 1 एयरपोर्ट और उसके बाद जयपुर। जयपुर का तो कुछ ऐसा है नहीं, मैं एक शॉट डाल दूंगा, बट दुबई का मैं आपको एयरपोर्ट दिखाऊंगा। तो ये कुछ व्यू हमें मिल रहा है हमारे होटल से, होटल के रूम से। तो आज हमारा ट्रिप फाइनली खत्म होने वाला है और अभी इस समय मैं अपने होटल के रूम में बैठा हूं। तो ये होटल भी बहुत अच्छा है, हैम्पटन बाय हिल्टन, ये एयरपोर्ट के पास है। और अगर मैं दुबई की ट्रिप को समराइज करना चाहूँ तो मैं 3 चीज़ों में बोलूँगा। पहली चीज़ कि दुबई ने हर कंट्री की बेस्ट चीज़ अपने कंट्री में इनकॉर्पोरेट कर ली है। जैसे कि अगर आप अमेरिका में रोडियो ड्राइव की बात करते हो, जहाँ आसपास बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं, और हर 2 मिनट में एक स्पोर्ट्स कार दिखती है, तो वो यहाँ पर वैसा ब्लू वाटर्स आइलैंड है। अगर आप कैलिफोर्निया के बीचेस की बात करते हो तो यहाँ पर लामेर बीच है, बिल्कुल उसी की तरह बनाया हुआ है। अगर आप यहाँ पर बात करते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखनी है आपको न्यूयॉर्क की तरह, तो शेख जायद रोड है। तो मतलब पहली चीज़ तो यह है कि हर चीज़ इंकॉर्पोरेट कर रखी है अपने कंट्री के अंदर। दूसरी चीज़ विमेन सेफ्टी, मतलब मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने पहली बार कोई जगह देखी है जहाँ पर रात के 3 बजे भी कोई आदमी किसी लड़की को नहीं देख सकता, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं एक कंट्री की मतलब अगर रेटिंग देना चाहूँ तो इसी तरीके से दे सकता हूँ कि भाई एक विमेन की सेफ्टी वहाँ कैसी है। आप अपने बेटी को यहाँ पर 3 बजे भी छोड़ दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई नहीं पलट के देखेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ जो कैब ड्राइवर से मेरी बात हुई वो भी यही कह रहे थे कि यहाँ के जो रूलर हैं वो ये कहते हैं कि अगर रात में भी कोई लड़की जा रही हो, समझो मैं उनके साथ चल रहा हूं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और थर्ड चीज है कि यहाँ सब रूल्स का पालन करते हैं, मतलब सब रूल्स फॉलो करते हैं, कोई गंदगी नहीं करता। और खुद का भी मन करता है, जैसे बीच पे मुझे किसी की कोई गंदगी दिखी तो मैंने खुद डाल दी जाके डस्टबिन में। तो सब रूल्स को फॉलो करते हैं, सब रूल्स से चल रहे हैं, मतलब यहाँ कोई भी चीज है जो रूल्स का अगेंस्ट नहीं होती है। अगर आप कैब में चल रहे हो रूल्स फिक्स्ड है, कोई आपसे खराब से नहीं बोलेगा, आपका ट्रिप किसी भी तरीके से खराब नहीं होगा, कोई रेसिज्म नहीं है, कुछ नहीं है, सब रूल से चल रहे हैं। कोई आपके मतलब कोई किसी के रिलीजन को यहाँ परेशान नहीं कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कोई किसी की मतलब प्रिवेसी को यहाँ भंग नहीं कर रहा है, सब अपने काम से काम रखते हैं, सब एक दूसरे की इज्जत रख के चल रहे हैं। तो दुबई का जो मेरा मैं समराइज कर रहा हूँ वो मुझे इन 3 चीज़ों में समझ में आया। मैं मानता हूं कि अगर आपको लगता है कि आप लंदन नहीं जा सकते हो, अमेरिका नहीं जा सकते, तो आप दुबई आ जाओ, आपको हर चीज एक ही कंट्री में मिल जाएगी। मतलब दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आप यहां रुके तो कुछ दिन पैसा जोड़कर अच्छे होटल में रुके, जो कि है शेख जायद रोड पर या ब्लू वाटर्स आइलैंड पे। सिर्फ एक ही होटल है जो मुझे लगा, सीजर्स पैलेस या फिर शेख जायद रोड पे। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप बुलजल अरब या एटलांटिस रुक सकते हैं, पर वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, ओवर द रूफ रेट जाती हैं, पर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर से रुकें। नहीं तो बुलजल अरब में एक बार लंच जरूर करें, क्योंकि वो अपने आप में एक्सपीरियंस है। तो ये था मेरा दुबई ट्रिप का समराइजेशन। अब मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट और फिर वहां से फ्लाइट लेके जयपुर। तो बहुत अच्छा ट्रिप था। डिप्रेशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ट्रिप इतना अच्छा हुआ, अदरवाइज नॉर्मली आपको डिप्रेशन होता है जाते समय कि अब नॉर्मल लाइफ में जाना है। बट मैं हमेशा अपने एम ऊपर रख के चलता हूँ, मुझे अब नेक्स्ट ईयर एक नई कंट्री को इसी तरीके से कवर करना है। तो जब भी मैं कुछ यूट्यूब पे कवर करूंगा तो आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि वो बहुत बढ़िया से कवर होगा। तो अब चलते हैं एयरपोर्ट, और ये हम एयरपोर्ट पे आ गए हैं, अब चलते हैं अंदर। और यह लाइन से एमिरेट्स के प्लेन से सारे, तो बहुत ही, और वो एक्सपो का प्लेन है, ब्यूटीफुल प्लेन। Please hold on. The train is ready to depart at 2 gates. Passengers are reminded that boarding gate information will be posted in 90 minutes.
तो हम लोग ने सबसे पहले अभी जब से हम एयरपोर्ट पे आए हैं, पहले हमने अभी यहाँ एक मेट्रो लिए जो यहाँ की एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट करती है। अब हम शायद जाएंगे ड्यूटी फ्री, तो मैं ड्यूटी फ्री शायद अलाउड नहीं है कैप्चर करना, बट अब हम ड्यूटी फ्री जाएंगे। और एयरपोर्ट तो बेस्ट है, मतलब यहाँ पर इमिग्रेशन सिर्फ एक मशीन से होता है, ई गेट्स, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। और ये आपका ड्यूटी फ्री है, यहाँ लोग बहुत टाइम स्पेंड करते हैं ड्यूटी फ्री। ओनली एट दुबई एयरपोर्ट मर्क एस क्लास, वाओ, इस पे दुबई ड्यूटी फ्री लिखा हुआ है, पता नहीं क्या चीज़ है ये, बट ये पूरा ड्यूटी फ्री है और बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स हैं, मतलब एक्सट्रीमली गुड डिस्काउंट्स। और ये ड्यूटी फ्री से मैंने परफ्यूम्स ले लिए हैं अपने लिए, क्योंकि काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में मिल रहे हैं। तो ये हम लोग ने शॉपिंग अभी कर ली है, थोड़ी सी और भी करी है, पर ये है अभी। तो ये मैंने अपने लिए परफ्यूम्स डेविड ऑफ के, और इंडिया से अच्छे रेट्स पे यहाँ मिल रहे हैं। अब हम कुछ सामने की तरफ खाने जाने वाले हैं, और ऊपर खाने के कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स है, KFC है, और हम देखने वाले तो हम ऊपर की तरफ आ रखे हैं, और काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। नीचे ड्यूटी फ्री है, और ये BMW कॉन्टेस्ट में मिल सकती है अगर आप चाहें तो, टिकट लेना पड़ेगा उसके लिए, और काफ़ी सब चीज़ें ऊपर खाने के लिए। और दुबई एयरपोर्ट पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, मसालेदार टेस्ट ऑफ इंडिया, KFC, और वहाँ जिराफ है कुछ करके, नीचे भी ड्यूटी फ्री है, तो मतलब खाने के खूब सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। हम लोग शायद यहाँ खाएंगे मसालेदार टेस्ट ऑफ इंडिया में। और हम लोग अब मैकडी में खा रहे हैं, क्योंकि वहाँ ऑप्शंस लिमिटेड थे वेजिटेरियन फूड के। तो ये सामने अब मैकडी में आप बैठेंगे तो आपको ये व्यू मिलेगा, सारे प्लेन्स यहाँ लाइंड अप हैं, एमिरेट्स की भी हैं सामने खूब सारे। Thank you for traveling with SpiceJet. A wonderful evening.